नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। उसके बाद ऋषिफूल मैदान में 3 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले सद्भावना सम्मेलन देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है, हरिद्वार हमारी धर्म नगरी है और यहां पर आकर मैं सभी का मार्गदर्शन लेता हूं। सभी का मार्गदर्शन समय समय पर मैं लेता रहता हूं, फीडबैक लेता हूं, इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम करने में आसानी होगी। चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उस लिहाज से कोविड को लेकर हम लोग पूरी सावधानी पहले से ही बरत रहे हैं। शनिवार को बैसवाखी मेलों में कोबेश्वर महादेव मेले में क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मंदिर समिति ने महिला मंगल दलों के पौराणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें रंग बिरंग के और पारंपरिक परिधानों में सजी ढजी महिलाओं ने शानदार प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां भी बटोरी है। वही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे पहले महिला मंगल दल थाने काफू शिवजी कैलाश भुलियूं ढोल मंदिर भक्तों ने भयूं पर शिव यात्रा का झुमेलो नृत्य में शान लाजवाब वर्मन किया। उसके बाद ममंद रावल गांव में गिरे खेता चला देवता गिर गेंदुआ खेलोला जैसी पौराणिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम रामपुरा कोर्ट में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है कोबेश्वर महादेव के प्रांगण में, और बहुत अच्छा हमें लगता है कि आगे हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो आगे हर वर्ष में ऐसे ही तैयारी के साथ हर गांव की महिला मंडल द्वारा और बच्चों द्वारा आयोजन के प्रोग्राम आयोजन किया जाए। हर साल की तरह ये मेला लगता है और हम चाहते हैं कि इस मेले को और भी भव्य बनाया जाए। यहाँ पर कई निशानी है, जैसे हमारा मंदिर है ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसका हम चाहते हैं कि जीर्णोद्धार किया जाए। इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और हरिद्वार में प्रशासन अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अवैध परिवहन करने वाले और अवैध रूप से स्टोन क्रशर पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार जिले में लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया और अवैध खनन काटने पर खनन अधिनियम 421 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं प्रयागराज में माफिया आतिक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके कारण आपको बता दें कि उत्तराखंड की सीमाओं पर एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार जिले से लगते हुए गुरुकुल नारसन चेकपोस्ट, सहारनपुर से लगने वाली नदी चेकपोस्ट, बिजनौर से लगते चुड़ियापुर बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग हो रही है। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी अपनी नजर बनाए हुए है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं कोई अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन और व्यापार मंडल के अलावा राजनीतिक पार्टियों के कई संगठनों के नेताओं ने संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। समिति के संयोजक किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी
कीरत सिंह ने निर्णय लिया है कि व्यापारियों के आंदोलन को अब संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में चलाया जाएगा। इसके साथ ही समिति अध्यक्ष कीरत सिंह ने कहा है कि आंदोलित व्यापारियों की मांग के समर्थन में और रेलवे विभाग के रवैये के विरोध में आगामी अप्रैल को लक्सर के बाजार को बंद करके पंचायतों की जाएगी। जो हमारी वार्ता चली है उसमें हर जिम्मेदार व्यक्ति का सुझाव लिया गया। सुझाव लेने के बाद में आज फिर मीटिंग हुई हमारी। मीटिंग होने के बाद में एक निर्णय लिया गया, बृहस्पतिवार को बाजार बंद होगा लक्सर का। और हम जितने भी संगठन हैं, एक या संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई, और जो निर्णय उस दिन होगा वहां धर्मशाला में मीटिंग होगी हमारी, पूरे बाजार वाले होंगे, देहात के लोग होंगे, जो भी वहां का निर्णय होगा आगे का वो उसी दिन होगा, और पूरे संगठन और पूरा बाजार साथ रहेगा। संयुक्त संघर्ष समिति रेल वाले आंदोलन को संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अब ये आंदोलन लड़ा जाएगा, और जिसके संयोजक हमने चौधरी कीरत सिंह हमारे वरिष्ठ हैं, इन्हें बनाया है। आज समिति ने निर्णय किया है सर्वसम्मति से कि बृहस्पतिवार को लक्सर बाजार बंद किया जाएगा और वहां महापंचायत की जाएगी धर्मशाला में। उसमें क्षेत्र के प्रमुख किसान प्रमुख लोग भी आएंगे और व्यापार मंडल के संबंधित सभी व्यापारी वहां रहेंगे। इसमें अगर रेल प्रशासन बृहस्पतिवार तक कोई निर्णय लेके इन रेलों को सुचारू रूप से लक्सर में चला देता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कस ली है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएस अधिकारी शशांक पटनायक ने कहा है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई है, जिसके चलते एनजीटी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इसमें चारधाम के मुख्य मार्गो जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्गो में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही घोड़े कचरों से जो बायोवेस्ट जनरेट होता है उसके निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर दूसरे समुदाय के युवक ने हिंदू समुदाय के लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 24 घंटे बाद की कार्रवाई न होने पर परिजनों और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भिकमपुर पुलिस चौकी पर हंगामा किया और वही धरना देकर बैठ गए। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि जब तक युवती बरामद नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वही सूचना मिलने पर एसपी स्वप्न किशोर मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को 12 घंटे में युवती को बरामद करने का आश्वासन दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना की सूचना मिलने के तत्काल उपरांत से ही निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार टीमें गठित की गई हैं। समाज के सभी संबंधित जो भी पक्ष हो सकते हैं उन लोगों से जानकारी जुटाने और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि ये प्रकरण काफ़ी पहले से गाँव में चल रहा था और अब ये घटना घटित हुई है, इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से अलग अलग टीमें गठित करके साक्ष्य संकलन की और अन्य आवश्यक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सभी से ये अपेक्षा भी की गई है कि अगर किसी के पास इस संबंध में किसी भी तरह की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो पुलिस से साझा करे, पुलिस का सहयोग करे, ताकि चीज़ों का सफलतापूर्वक और निर्धारित समय अवधि में निस्तारण किया जा सके। कल हमें ये आश्वासन मिला था कि आप 24 घंटे का टाइम हमें दे दीजिए और उसके बाद हम लड़की आपको बरामद कर दें, लेकिन अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई संतोषजनक नहीं की गई और न ही लड़की के बारे में हमें कोई जानकारी मिली, और अभी तक उसके परिवार वाले उसकी खुलेआम घूमते फिर रहे हैं और जो लड़की है उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं।
तो उत्तराखंड में निवेशक निवेश करने आ रहे हैं, उनको देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि यह सिर्फ फिजूल खर्ची है, इससे यहां कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों को सिर्फ यहां सैर सपाटे के लिए बुलाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कंपनी को यहां लाया जा रहा है इस बात के लिए यहां निवेशक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना भुगतान किया गया है उसकी सही रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास आईएएस और आईपीएस जैसे पढ़े लिखे लोगों की लॉबी है, तो फिर उनसे काम क्यों नहीं करवाती। प्रयास तो होने चाहिए और सैर सपाटे तक ये सब सीमित रहेगा। कंपनी को लाया जा रहा है यहाँ इस बात के लिए कि यहाँ निवेशक आए और उसको जितना इनने भुगतान किया है, मेरी जो जानकारी है उसमें अभी तक जितने भी माह हुए हैं भुगतान हुआ है, लेकिन एक पन्ने की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिली है उस कंपनी के द्वारा। इतना आईएएस लॉबी, इतना पीसीएस, इनके पास पूरा पढ़े लिखे नौजवानों की, अनुभवी लोगों की टीम है, उससे काम क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या जरूरत है कि बाहर की कंपनी को 100 करोड़ रुपए देने की और ये निवेश के नाम पर भी सैर सपाटा होगा और कुछ नहीं। वही उत्तराखंड कांग्रेस ने 30 अप्रैल तक सत्याग्रह अभियान चलाया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्याग्रह चलाया जाएगा और आज संवैधानिक संस्थाओं को बचवाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। करण महारा का कहना है कि जिस तरह से मजारों को लेकर सरकार बयान जारी कर रही है, ऐसे में अगर कोई धार्मिक संस्थाओं के नाम पर अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सरकार को सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि जो पौराणिक मजार या मंदिर है उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब भी कोई चुनाव आता है बीजेपी सरकार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो या फिर पुलवामा की घटना हो या मजार मस्जिद की बात हो, सरकार लोगों का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से और दूसरे मुद्दों से भटकाना चाहती है। नैरेटिव सेट कर रही हिंदू और मुसलमान का, चाहे आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, उससे पहले या तो किसी शहर में दंगा होता है या पुलवामा की घटना घटती है या फिर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं और या फिर मजार मस्जिद इस तरीके की बातें, मदरसे की बातें आती हैं। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है महंगाई से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है उनके बेरोजगार बच्चों की तरफ से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है, वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते कि मोदी की सरकार ने किस तरीके से देश की संपत्ति परिसंपत्तियों को बड़े धंधा सेठों को बेच दिया है। अजय अहमद हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार को न्यायालय पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है। अतिक अहमद को लेकर उन्होंने कहा कि अतिक अहमद बड़ा अपराधी था लेकिन उसको न्यायालय सजा देता। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि पुलिस अभिरक्षा में अतिक अहमद और उसके भाई की हत्या की जाती है और रात में अतिक अहमद को मेडिकल के लिए लिए जाना अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। एक नैरेटिव सेट कर रही हिंदू और मुसलमान का, चाहे आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, उससे पहले या तो किसी शहर में दंगा होता है या पुलवामा की घटना घटती है या फिर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं और या फिर मजार मस्जिद इस तरीके की बातें, मदरसे की बातें आती हैं। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है महंगाई से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है उनके बेरोजगार बच्चों की तरफ से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है। ऊधम सिंह नगर के ग्राम ठोठूपुरा में गेहूं के खेत में गुलदार के दो नवजात शावक मिलने से लोगों में हड़कंप मचा गया। वहीं लोगों ने घटना की सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को दी। गुलदार के शावक को देखने के लिए लोग मौके पर पहुंचे और गुलदार के शावक होने की सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को दी, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। जी ये गाँव में लगभग ये लेबर भी काम कर रही हैं, हम किसान लोग भी आते हैं दिन रात और यहाँ पे कई बार लोगों के किसानों के कुत्ते वगैरह भी ले गया तेंदुआ पकड़ के। पीछे थोड़े दिन पहले शिवपुरी गांव में एक आदमी के ऊपर भी अटैक किया है इसने, तो इसलिए तेंदुए का प्रकोप तो काफी बढ़ गया है पहले से। और यहाँ पे किसानों की भी मांग है भी ये इसके लिए पिंजरा वगैरह लगाया जाए। यही कहना है जंगलात वालों को यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए
और इनको पकड़ के ले जाया जाए। तो पिछले साल भी गन्ने में मिले, उस टाइम भी कोई नहीं आया, तो इस बार भी बहुत है। नदी के किनारे यहाँ पे हो मादा भी होगी, इनकी माँ भी जरूर घूम रही होगी यहाँ पे। छोटूपुरा छोटे परिवार में और बाकी ये फार्मर छोटे बच्चे, हमारा घर भी पास में, बस्ती पास में, यहाँ करीब 250 मीटर पे दूरी पे बस्ती भी है और बच्चों को खतरा भी है। क्या पता नदी के किनारे सारे घर बसे हुए हमारे, हमें खतरा। और इसको आज ही वन विभाग से अपने चेतावनी देते हैं कि पिंजरा। बागेश्वर में खड़िया खनन के क्षेत्र में हजारों की तादाद में नेपाली मूल के मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनका लेखा जोखा न खनन विभाग के पास है और न ही श्रम विभाग के पास। जिले में 136 खड़िया माइंस में, जिसमें 99% नेपाली मजदूर काम कर रहे हैं, अभी तक जिला प्रशासन के पास इन मजदूरों के आंकड़े तक नहीं है। खनन क्षेत्र में काम कर रहे इन विदेशी मूल के मजदूरों का लेखा जोखा न होने से एक और इन मजदूरों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। दूर है हम, वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, वो कभी एक महीना रुकता है, कभी 15 दिन रुकता है, तो कुछ मजदूर आते हैं कुछ जाते हैं, तो उसका टाइम टाइम पे वेरिफिकेशन या 2 महीने में 3 महीने में लगातार ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस के लिए माइन ओनर्स को दोबारा से तलब कर दिया जाएगा कि वो ये कंटिन्यूटी में बना के रखें और ट्रेनिंग करा लें कि फॉर्म भी लगातार अपडेट होता रहे, कि जो भी नया लेबर आता है उसकी पूरी डिटेल हो और वो डिटेल एक जिला कार्यालय में भी और एक पुलिस उसमें भी वो होनी चाहिए। तो इसको हम धीरे धीरे, क्योंकि ये हैबिट में अभी तक इनके नहीं था माइन ओनर के, लेकिन इनकी हैबिट में लाया जाएगा और इसको हम सुनिश्चित कराएंगे कि ये सारी मजदूरों की डिटेल्स। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के IFS अधिकारी शशांक पटनायक ने कहा है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई है, जिसके चलते NGT द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसमें चारधाम के मुख्य मार्गों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इत्यादि जाने वाले मार्गों में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही घोड़े खच्चरों से जो बायोगैस जनरेट होते हैं उनके निस्तारण और चारधाम मार्गों पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो कि चारधाम के जो मुख्य ट्रेक रूट है, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख और हेमकुंड साहिब को जाने वाले ट्रेक रूट में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घोड़े कचरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण, और जो पर्यटक वहां पर आ रहे हैं उनको, पर्यटक और जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन ट्रैक रूटों में, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए समुचित कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश निर्गत की गई है। समाज के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्राथमिक शिक्षा में और से औरत पढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई है। एक समाज श्रेष्ठ समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि जब मुगलों ने भारत पर राज किया था तो इस तरह के अपमानजनक शब्द भी शिक्षा पद्धति में जोड़े गए थे, लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री से आह्वान किया है कि औरत की जगह महिलाओं के लिए अन्य सम्मानजनक शब्द पढ़ाया जाए। संस्थान अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और पूजा लटवाल ने संयुक्त रूप से कहा है कि हमारे देश के विद्यालयों में बच्चों को बचपन से ही मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक और से औरत शब्द की पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे हम अपने देश के होनहार बच्चों को बचपन से ही अरबी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित कर रहे हैं। आज हमने एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह ज्ञापन भेजकर ये मांग किया है कि जब अरबी में एक शब्द आता है औसे औरत, जो कि औरत का शब्द होता है महिला का गुप्तांग पर्सनल पार्ट, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग उसको अपने चलन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इस पत्र के माध्यम से ये मांग है कि जब मुगल भारत पे 1526 पे आक्रमण किया तो 1857 तक राज किया। सबसे पहली बात ये है कि कई भाषा शैलियाँ, क्योंकि अरबी और इस्लामिक आक्रमण के बाद भारतवर्ष में जो हमारी सांस्कृतिक आक्रमण हुआ है, हमारी भाषा शैली हर प्रत्येक क्षेत्र में जो हुआ है उसका प्रभाव आज आज़ाद भारत में वर्तमान में हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का बेसिक मानसिक स्तर होता है उस स्तर में औ से औरत, औ से औरा, औ से औरत का
शाब्दिक अर्थ अरबी में महिला के गुप्तांग से होता है, जिसपे हम मातृशक्ति, जितना भी जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अब जाग के आ रहा है, हम उसका कठोर विरोध करते हैं, जिसके लिए आज प्रथम बार मांग हम यही कह रहे हैं कि कक्षा जो छोटी प्राथमिक कक्षा है उसमें बिल्कुल ये शब्द कोश को औ से औरत को बिल्कुल हटाया जाए। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी सबके बीच देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में अग्नि दुर्घटना के वक्त होने वाली क्षति से किस तरह से बचा जा सके, इसको लेकर जनता को जागरूक किया गया। हमेशा से जैसा मैंने कहा, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ हमारी आपदा राहत में भी और आपदा का एक हिस्सा अग्नि भी है, उससे बचाव के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि पूरे देश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, अग्निशमन सुरक्षा सेवा सुरक्षा सप्ताह, उसी की आज शुरुआत हुई है और इसको हम हर जिले में इसको ये जागरूकता फैलाएंगे, विभिन्न स्कूलों में कॉलेजेस में जा जा करके लोगों को डेमोंस्ट्रेशन देंगे कि कैसे अग्नि से बचाव। टनकपुर क्षेत्र के स्कूली बच्चों को आपदा और अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल कर जागरूक किया गया। जनपद चंपावत में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु मनाए जा रहे अग्निशमन सप्ताह के क्रम में 15 अप्रैल को जनपद चंपावत के थाना टनकपुर क्षेत्र में अग्निशमन टीम द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर और ब्लू माउंटेन स्कूल टनकपुर के स्कूली बच्चों को मॉक ड्रिल के दौरान बचाव संबंधित जानकारी भी दी गई। तो स्कूलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, बच्चों को जागरूक किया गया, दुर्घटनाओं से बचाव की भी जानकारी दी गई है और जागरूकता अभियान को लेकर स्कूलों में मॉक ड्रिल चलाया गया। मिंद्राहाट में ऐतिहासिक और पौराणिक साइलदे बिखौती मेले का विमांडेश्वर मंदिर में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। विधायक मदन सिंह बिस्ट ने दीप जलाकर बिकौती मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति विरासत से रूबरू कराते हैं, इनको आगे बढ़ाने के साथ सर्वधन के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। विधायक ने विमांडेश्वर में स्थित शवदाह स्थल में 5 लोहे के बेड और लकड़ी का स्टॉल बनाने की घोषणा की। ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले महिला समिति अध्यक्ष रमेश पुजारी ने अतिथियों का स्वागत किया। बिखौती मेले की शुरुआत रणा गांव के मेलाथियों ने की है। इस साल ये सायदे बिखौती का मेला 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रस्म अदायगी के तौर पर ही मनाया जाएगा। बता दें कि 14 अप्रैल को जोराहाट में बाट पूजे के दिन नौजूला घड़ा और 15 अप्रैल को आलवोगरक घड़ा ओड़ा भेटने की रस्म अदायगी की जाएगी। ऐतिहासिक मेले में जहां शराब की दुकानें बंद रखी गई, वहीं यातायात व्यवस्था भी सही रही। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।